नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। ये दिल्ली है और दिल्ली में इस वक्त मैं उपस्थित हूँ दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 6 के सामने। यहाँ पर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनको कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया, जो वैक्सीनेशन में जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर अपनी जान न्यौछावर करके समाज के सामने आए, समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज उनको दिल्ली गवर्नमेंट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मीडिया वाला यहाँ तक नहीं आया है, ना ही उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। साथियों, सुनने में ये भी आ रहा है जो तमाम जो मीडिया हैं, कई युवाओं का आरोप है कि उनसे हज़ार हज़ार दो दो हज़ार रुपये प्रति लड़के से एक प्रतिष्ठित हिंदी चैनल आप समझ गए होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा ईमानदार पत्रकार हैं, उन्हीं के पत्रकारों ने खबर के नाम पर प्रत्येक युवा से एक एक हज़ार और दो दो हज़ार रुपये प्रति मांगे हैं। तो ये कितनी सोचने वाली बात है, कितनी मजबूर करने वाली बात है, कितनी आस्पद बात भी कहेंगे कि इनको शर्म नहीं आती है। दिन भर हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं और जो अक्की बात होती है उनको छिपाने का काम करते हैं। तो आपको भी इन ऐसी खबरों से, इन भ्रामक खबरों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से आज पूरे देश के युवा, कभी बिहार में छात्र आंदोलन करते हैं रिजल्ट के लिए, कभी यूपी में आंदोलन करते हैं, अभी मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला कितने चरम सीमा पर है, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। उसी कड़ी में ये आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने इनके साथ छलावा किया है। शायद आपको भी याद है होगा, आप जो दर्शक जो ये न्यूज़ देख रहे हैं, जब कोरोना महामारी आई थी 2020 में चरम सीमा पर थी, तो तमाम मीडिया रिपोर्ट में भी ये खबर लगातार दिखाई जा रही थी कि जो फ्रंट में जो नर्सिंग स्टाफ आएगा उन्हें आने वाले भविष्य में, आने वाले जॉब में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जॉब के लिए बैठे हैं हम, यहाँ पे हमारी जो जॉब है हमें छूट गई है, हमारी जितने भी यहाँ पे हमें बताया, बाद में बताया गया आपकी जॉब छूट, दीनदयाल का स्टाफ है हमारा सर, यहाँ पे अचानक ही हमें ये कह देगा कि आपकी जॉब खत्म हो गई है, आपको आने की जरूरत नहीं है। नाम क्या है आपका? प्रियंकम नाम है मेरा। हम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से हैं, जो कि हमें रखा गया था कोरोना पीरियड के टाइम पे 11 महीने के लिए, हमें बोला गया था आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो ऐसे आउटसोर्सिस के थ्रू रखा जाता है, हमें ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उन्होंने हमें ये चीज़ क्लियर नहीं करी थी। आज हम अगर हॉस्पिटल के MD के पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि आपका सिर्फ 2 महीने के लिए रखा था, जिसपे आपको 3 महीने और बढ़ाया गया। हमने कहा कि हमारी ये बात नहीं हुई थी, क्योंकि हम तो आउटसोर्सिस, हम ये चाहते कि आउटसोर्सिस खत्म किया जाए, हमारा जो वो है जॉब है वो एक्सटेंड हो जाए और दिल्ली गवर्नमेंट सीधा। और भी लोग उनसे बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बैठी हैं, क्या क्या मांग कर रहे हैं सरकार? सर हम अपनी ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों ने कोविड ड्यूटी के दौरान काम किया है, हमें परमानेंट किया जाए, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, अब हमें परमानेंट जॉब चाहिए। सरकार क्या कह रही है? सरकार हमने कुछ नहीं कह रही, सरकार ने हमें रोड पे लाके बिठा दी है सर। सरकार जब मतलब जब कोरोना चरम सीमा पर था इंडिया में, तब तो कह रहे थे कि इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ताली थाली बरसाई गई, अब क्या? अब फूल बरसाया गया हमारे ऊपर, हम लोग को इतना सम्मान दिया गया, वो सिर्फ इसलिए था ताकि कोविड में हमसे काम करवाया जाए, और उसके बाद अब हमें हमारी ऐसी सिचुएशन कर दी है कि हम लोग यहाँ आकर के बैठे गए, इनके धरना देने की नौबत आ गई है, हमें सिर्फ परमानेंट जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए ये हैं, ये इनके हाथ पर पट्टी भी बंधी हुई है, ड्रेसिंग रखी है, क्या समस्या है मैम? सर समस्या ये है कि जब कोविड था, जब कोविड बहुत ज़्यादा था, तब हमने बहुत काम किया, इतनी बार पॉजिटिव हुए, हमने अपनी जान पे खेल के एक सारा काम किया, पर जब कोविड ख़त्म हो गया हमें लात मार के भगाया जा रहा है। एटलीस्ट हमारे जो बीच में, हम ये नहीं कहते कि हमें परमानेंट करो या फिर जो भी है, पर जो बीच में हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो रखा गया है। अभी सुनने में आ रहा है कि जिस टाइम पे आपकी जॉइनिंग की जो कोरोना के समय पे, तो ऐसा मतलब आपको आश्वासन दिया गया कि जिस कोरोना के समय में जो आगे आएंगे, जो नर्सिंग स्टाफ आगे आएगा, उन्हें आने वाले भविष्य की जो वैकेंसी आएंगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा सर। ये कहा गया था सरकार के द्वारा, ये कहा गया था कि अगर आप लोग कोविड में काम करते हो तो अगर आगे चल के कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारे, मतलब सरकार ने सीधा सीधा आपके साथ छलावा किया, नाइंसाफी की है। क्या केजरीवाल ने भी और हेल्थ मिनिस्टर हमारे, उन्होंने भी हमें बताया गया था, जब हमारे बताया गया था कि मैं कोविड टाइम पीरियड था, जब टाइम पीरियड था उन्होंने खुद बोला कि हमारे साथ जो बच्चा जो केजरीवाल भी तो खुद संघर्ष कर रहे हैं, आज कल उनके घर पे हमला किया गया था, इस पर क्या कहना चाहो सर? उससे सुनो सर, उसमें हमारा कोई वो नहीं है कि हम
बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई मीडिया नहीं आई है, उनके घर पे एक ब्लास्ट। ऐसा तो नहीं है कि जो अभी आपकी संख्या कितनी है जिनको जॉब से निकाला गया है? 5,000 डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में सारी नर्सेज है, कम से कम 1100-1200 लोग हैं जो नेट जॉब सारे हैं यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर अपने घर पर हमला कराया हो इस मुद्दे को दबाने के लिए? इसमें हमें नहीं पता, वो करवा भी सकते हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की वजह से वो कुछ भी कर सकते हैं, विपक्ष के नेता के ऊपर भी कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि मान के चलो केंद्र, जिस टाइम पे हमने भी देखा कि जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे दोनों सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो या विभिन्न प्रदेशों की सरकार हो, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो कोरोना वॉरियर्स बन के जो सामने आ रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जॉब में। लेकिन चलो मान के चलते हैं दिल्ली सरकार सामने नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ हेल्प तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, कुछ सरकार ने हेल्प की या दोनों मिले हुए हैं? दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, जो उनकी वैकेंसी है हमें उनकी जगह पे रख दिया जाए, हम परमानेंट भी नहीं बोले कि हमें परमानेंट करो। आप अगर आपके पास वैकेंसी होगी, आप नीड है उनके पास, आप हमें ये चीज तो रखो एज अ डायरेक्ट सीधा कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के थ्रू, कोई बेरोजगार ना हो जॉब। देखिए साथियों, मतलब कितना मतलब मजबूर किया गया है ये बेचारे जो लोग बैठे हुए हैं लगातार 5-6 दिनों से, ये परमानेंट जॉब की मांग नहीं कर रहे हैं, केवल ये चाह रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाए, क्योंकि बात एक जॉब की नहीं है, बात एक घर की है, एक जिम्मेदारी की है, एक माता पिता की है, एक भाई बहन की है और एक रोजी रोटी की है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये चाहती हूँ कि हमारी केजरीवाल सरकार हमें बोलती रहती है कि हम, वो आम जनता है, आम जनता है, प्लीज़ वो अभी हमारे बीच में आएँ और हमारे लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेके आएँ कि हम आप लोगों को मोहल्ला क्लिनिक्स में या डिस्पेंसरीज में कहीं पे रेफ़र कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें जॉब मिली रहे, हम कमा के खाना चाहते हैं, हमें फ्री फ्री नहीं चाहिए सर, बस हमने ये पढ़ाई की है, हमें हमारी जॉब्स दे दीजिए, हम उन पे बैठ के कमा लेंगे, बेशक वो बिजली का बिल ले लीजिए और सब कुछ ले लीजिए हमसे। धन्यवाद। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो लगातार रोजगार दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये रोजगार की बात कर रहे हैं जो केजरीवाल जी, वो केवल झूठी बात कर रहे हैं। सर झूठी है, हम तो यहाँ पे 4 दिन हो गए हमें धरना देते देते, आज 5वां दिन है, आज तक तो हमारी सुनी नहीं। बेचारे केजरीवाल जी तो खुद परेशान, उनके घर पे हमला हो गया है, इस बारे में क्या कहोगे? तो सर हमला हुआ है, हमने तो नहीं किया ना, हमारी क्यों रोजी रोटी छीन है? ऐसा तो नहीं है कहीं जानबूझ के उन्होंने प्रोपेगेंडा रचा होगा जो 5,000 या कितने लोग हैं इस खबर को दिखाने के लिए? हम कुछ नहीं कह सकते, क्या मीडिया आपको रिपोर्टिंग करने? हम अपने आप दुखी है सर, हमारा रोजगार चला गया, हमारा काम चला गया, सभी अपने घर बैठे हैं। आप देख सकते हैं ये जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र कितने भयभीत और कितने मजबूर हैं, हमसे कह रहे हैं कि कृपया इस खबर को जरूर छापें। हम आपको बात बता रहे हैं, हम खबर छापते हैं, छिपाते नहीं हैं, हमारा काम खबर छापने का ही है, दिखाएंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं लगातार हम इनके आंदोलन को आपको दिखाते रहेंगे, और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम युवाओं के हित को देखते हुए आगे तक शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के सामने ये आवाज़ जाएगी उतनी ही मजबूती से इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी। और सबसे बड़ी बात ये तो है ही कि जो तमाम जो कॉपरेटिव मीडिया है वो इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, वो तमाम दिन भर हिंदू मुस्लिम नफरत वाली खबरें दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर नेता मतलब छींक भी आ जाए उनकी खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाती हैं, जो हजारों परिवार हैं उनकी पीड़ा को दिखाने का काम ये मीडिया नहीं कर रही है। तो साथियों आपसे आग्रह, आप देखते रहिए जनता आवाज़, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज़, नमस्कार।